तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे टॉपिक टुवर्ड्स सिविल डिसोबीडियंस का पार्ट टू। तो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था इस टॉपिक का कि किस प्रकार से आर्थिक संकट के कारण लोग काफी परेशान थे। अब इसमें हम लोग थर्ड पैराग्राफ से स्टार्ट करेंगे। तो आगे यहां पर कही गई है कि इसी बीच इंग्लैंड की टोरी गवर्नमेंट ने एक कमिटी भारत भेजा। सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में एक कमिटी भारत भेजी गई जिसका नाम था साइमन कमीशन। इस कमीशन को भेजने का मुख्य उद्देश्य यह था कि यह जानना था कि आखिर भारत की क्या स्थिति चल रही है, भारत में जो आंदोलन का दौर शुरू हुआ था इसकी कंडीशन अभी क्या चल रही है और इसके लिए क्या सुधार की जाए भारत में और किस तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म लाया जाए, किस प्रकार से और संवैधानिक सुधारों की शुरुआत वहां पर की जाए, इसके बारे में कमीशन को बताया गया कि आप इसके बारे में वहां पर जाइए और पता लगाइए। तो यह साइमन कमीशन का एक मुख्य काम था और इन सारी चीजों को पता लगाकर यह सुझाव देना था कि आखिर अब नेक्स्ट में क्या किया जाए, नेक्स्ट स्टेप क्या लिया जाए, यह सुझाव भी साइमन कमीशन को देना था। लेकिन इस कमीशन का सबसे बड़ा डिमेरिट क्या था? तो इस कमीशन का सबसे बड़ा डिमेरिट यह था कि इस कमीशन में एक भी इंडियन लीडर शामिल नहीं था किया गया था, यानी एक भी भारतीय इस साइमन कमीशन की कमिटी में शामिल नहीं थे। तो अब भारतीयों का यह कहना था कि यदि भारतीयों की समस्याओं को जानना है, यहाँ के प्रॉब्लम को वास्तव में रियलिटी में आप सॉल्व करना चाहते हैं तो आखिर हमारे प्रॉब्लम को बताएगा कौन? हमारे प्रॉब्लम को हमारे भारतीय ही बता सकते हैं, इंडियन ही बता सकते हैं जो इंडियन मेंबर आपकी कमेटी में नहीं है। तो यह गलत प्रक्रिया के कारण साइमन कमीशन का लोगों ने स्वागत नहीं किया। भारत जब साइमन कमीशन आई तो साइमन कमीशन का इंडियन लीडर्स ने और इसमें मुस्लिम लीग में शामिल थे लगभग सभी पार्टियों ने मिलकर साइमन कमीशन का भारी विरोध किया। जब साइमन कमीशन यहां पहुंची तो गो बैक साइमन, गो बैक के नारों के साथ उसका स्वागत किया गया। अब जब साइमन कमीशन का भारी विरोध भारत में हुआ तो भारत के इस विरोध को शांत करने के लिए, भारतीयों को शांत करने के लिए लॉर्ड इरविन ने घोषणा की। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में भारत को एक डोमिनियन स्टेटस का दर्जा दिया जाएगा और इसके साथ ही भारत के भावी संविधान को तैयार करने के लिए, भारत के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन को तैयार करने के लिए कैसे तैयार किया जाए, इसके लिए इंग्लैंड में एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जाएगा, यानी कि गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा जिसमें इंडियन लीडर्स को पार्टिसिपेट करना है। तो ये घोषणा भारतीयों को शांत करने के लिए लॉर्ड इरविन ने किया उस समय। लेकिन लॉर्ड इरविन के इन घोषणाओं से भारत के लोग संतुष्ट नहीं हुए और जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस और भी बड़े आंदोलन को चलाने के लिए तैयारी करने लगे। इसके बाद 1929 में लाहौर में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ और इस अधिवेशन में एक बहुत बड़ा निर्णय लिया गया। इसी अधिवेशन में यह निर्णय लिया गया कि अब जो कांग्रेस राय लड़ेगी, अब जो आंदोलन करेगी उसका मुख्य उद्देश्य क्या होगा? उसका मुख्य उद्देश्य होगा कंप्लीट इंडिपेंडेंस को प्राप्त करना, यानी पूर्ण स्वराज की प्राप्ति करना ही अब कांग्रेस के आंदोलन का उद्देश्य होगा। और यह कहां लिया गया? यह 1929 के लाहौर अधिवेशन में लिया गया और इसके साथ यह निर्णय लिया गया कि 26 जनवरी 1930 का जो दिन होगा वह दिवस इंडिपेंडेंस डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाएगा और उसमें यह भी शपथ ली जाएगी लोगों के द्वारा कि अब उनकी जो लड़ाई होगी, अब ये जो संघर्ष करेंगे वह संघर्ष उनका कंप्लीट इंडिपेंडेंस के लिए होगा, पूर्ण स्वराज के लिए लड़ाई अब वे लड़ेंगे, पूर्ण स्वराज की प्राप्ति के लिए संघर्ष करेंगे। हालांकि इस सेलिब्रेशन पर बहुत लोगों का ध्यान नहीं गया, बहुत लोगों ने इस सेलिब्रेशन की ओर कोई ध्यान नहीं दिया, यानी बहुत लोगों ने पार्टिसिपेट नहीं किया, यानी अभी मेंटली सारे लोगों को स्वराज का मतलब समझ में नहीं आया था, स्वतंत्रता का मतलब समझ में नहीं आया था, जिसके कारण इनका अटेंशन बहुत ही कम रहा इस सेलिब्रेशन की ओर। और इसीलिए अब महात्मा गांधी ने यह डिसाइड किया, यह निर्णय लिया, अब सबसे पहले लोगों को स्वराज का मतलब समझाया जाएगा, स्वराज को और स्वतंत्रता क्या है, स्वराज क्या है, कैसे हमें आजादी मिलेगी, आजादी है क्या, तो इस चीज को उनके डेली लाइफ में यानी उनके दैनिक जीवन में जोड़ना होगा, दैनिक जीवन के साथ स्वराज का अर्थ को
इंडिपेंडेंस के जो का जो मीनिंग है, इंडिपेंडेंस के मीनिंग को उनके डेली लाइफ के साथ एक जोड़ना होगा, तभी यह आंदोलन सक्सेसफुल हो सकता है। तो इस कार्य में अब गांधी जी लग गए, और इसके साथ यह टॉपिक यहाँ पर समाप्त होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे टॉपिक द सॉल्ट मार्च एंड द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, हैव अ नाइस डे।